ऐसे बहुत से दिन होते हैं जब लोग उपवास रखते हैं और उस समय वो नॉर्मल खाने के बजाय खाते हैं व्रत का खाना। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक डिश लाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधाज वेज रेसिपीज। और आज हम देखेंगे साबूदाना वड़े की रेसिपी, जो कि एक व्रत स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है एक कटोरी साबूदाना और सबसे पहले इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। तो पानी डाल दिया इसमें और इसको अच्छी तरह से धो के इसका ऊपर का स्टार्च हम निकाल देंगे। और अब ये जितना साबूदाना था उतना ही इसमें मैं पानी डालूंगी। तो एक कटोरी साबूदाना था, एक कटोरी पानी इसमें हम डाल देंगे। तो साबूदाने के बराबर का पानी डाल के इसे हम 3 घंटे करीब भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ये साबूदाना कितनी अच्छी तरह से भीग गया है 3 घंटे में। एक एक दाना इसका नरम हो गया है, देखिए। तो अब ये अच्छी तरह भीग गया है, तो इसका भी मिक्सचर हम बनाते हैं वड़े के लिए। तो मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल और सबसे पहले मैं इसमें ये साबूदाना डाल दूंगी। और अब मैंने लिए हैं 3 मध्यम आकार के उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने छील लिया है और ये एकदम ठंडे हो गए। मैंने इन्हें छील के फ्रिज में रख दिया था। इससे ये वड़ा बनाते समय ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेंगे और तेल नहीं पिएंगे वड़े फिर। तो इसको हम लोग या तो मसल लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे। तो मैं ग्रेटर ले रही हूँ और इन सबको अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी। तो मैंने सारे उबले आलूओं को ग्रेट कर लिया और जो लास्ट में टुकड़े बचे थे उन्हें हाथ से अच्छी तरह मसल लिया है। अब मैंने ली है ये थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली, 1/4 कप जितनी, आधा कटोरी है ये। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा पीस लूंगी। तो मैंने दरदरा कूट लिया मिक्सी में और इसे भी हम डाल देते हैं आलू और साबूदाने के साथ। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से हरे मसाले। तो ये महीन कटी हुई हरी मिर्च है 3। आप स्वादानुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या यदि बच्चे खा रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कसी हुई अदरक, अदरक ऑप्शनल है यहाँ पे, यदि आप नहीं खाते व्रत में अदरक तो मत डालिए। और मैं डाल रही हूँ बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है फिर वड़े में। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच भर के सेंधा नमक, जो व्रत में खाया जाता है। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे वड़े का कलर अच्छा आएगा। और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत जीरा। जो भी चीज़ें इसमें से आप व्रत में नहीं खाते उन्हें आप हटा सकते हैं, फिर भी ये बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। और लास्ट में 2 से 3 बूंदें हम इसमें डालेंगे नींबू के रस की, तो ये बहुत अच्छा स्वाद देगा। और अब हम इसको हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिला लेंगे। मैंने देखिए सब चीज़ें अच्छी तरह से मिला लिए यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि ये सूखा है और साबूदाने अलग अलग गिर रहे हैं तो इसमें बहुत थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना पानी मिला सकते हैं। तो चलिए अब इसके हम वड़े बनाते हैं। तो हम एक छोटी सी लोई लेंगे हाथ में, इसको इस तरह से गोल बना के चपटा करके इसको वड़े का शेप दे देंगे और इसको हम एक जगह प्लेट में रख लेंगे। देखिए छोटा सा गोला लिया हमने मिक्सचर का। अब इसको हाथ से दबा के बिल्कुल जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं उसी तरह से, और ये बना दिया मैंने। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। किनारे अगर फटते हैं तो उन्हें थोड़ा सा ठीक कर लेंगे और इसे प्लेट में रख लेंगे। तो इस तरह से सारे वड़े हम पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे मिक्सचर के वड़े तैयार कर लिए हैं और अब इन्हें हम तलते हैं। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और मीडियम हीट पे हम इसको तलेंगे। एक एक करके वड़े हम छोड़ इसमें तेल में डाल देंगे। मैंने मूंगफली का तेल लिया है यहाँ पे तलने के लिए, जो कि व्रत में खाया जाता है। आंच को मध्यम रखेंगे और इन्हें एक तरफ गोल्डन होने तक तल लेंगे। हल्के हल्के हाथ से इन्हें हिलाते रहेंगे ताकि ये सब तरह से अच्छी तरह से कुक हो जाए, कहीं कच्चे और कहीं ज़्यादा जले ना हो जाए। आप देख सकते हैं साबूदाना कितना अच्छी तरह से तल के फूल रहा है, मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। तो अब वड़े एक तरह से पक गए हैं, अब मैं इसको पलट देती हूँ। बहुत ही सुंदर रंग आया है वड़ों का। अब दूसरी तरफ भी हम इन्हें पका लेंगे। दूसरी तरफ कुक होने के लिए थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो वड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं, इन्हें हम निकाल सकते हैं। मैं एक वड़ा आपको दिखाती हूँ। साबूदाना कितना अच्छी तरह से फूल गया है वड़े का, और ये वड़ा भी फूल गया है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, एक टिश्यू पेपर वाली प्लेट में,
ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो देखिए हमारे कितने सुंदर वड़े तैयार हुए हैं। अब हम नेक्स्ट बैच तल लेते हैं। अच्छे साबूदाने वड़े की ये पहचान है कि साबूदाना देखिए किस तरह से फूल गया है इसमें। अब इनको हम पलट देते हैं। ये अच्छे सीख गए हैं ब्राउन, तो अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। टिश्यू पेपर पे निकालना हमेशा, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर में चला जाए। वड़े तलते समय हो सकता है कि थोड़ा सा साबूदाना, मूंगफली के दाने, धनिया पत्ती इस तरह से निकल आए, तो ये होता है अक्सर। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कहीं कोई गलती है घोल बनाने में, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है। तो हमारे फलाहारी साबूदाना वड़ा बनकर तैयार है। आने वाले अपने व्रत में इसे जरूर बनाइए और खाइए। ये सबका सबसे फेवरेट उपवास का नाश्ता है। मैंने अपने चैनल पे जब पोल लिया लोगों से कि कौन सा उपवास का नाश्ता सबसे ज्यादा पसंद है, तो फलाहारी साबूदाना वड़ा को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, इसीलिए मैं ये नाश्ता आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो मिलते हैं फिर से उपवास स्पेशल एपिसोड में और रेसिपीज के साथ। बाय।